पक्का। तो मैं तुम्हारे लिए एक बलिदान देता हूं, अब तुम होस्ट करो। जी हाँ। नहीं, इतना ज्यादा भी नहीं सीखना। अब मुझे आपको ये सिखाना है कि ये होस्टिंग करते कैसे हैं। मैं वॉच किया ना, वैसे ही कर तू। अच्छा, वैसे ही कर। और अब ये देखो, अब मैं नीचे आता हूं, मैं दिखाता हूं कि कैसे रिएक्ट करना चाहिए या करना चाहिए था आपको। अब ना वो रिएक्शन कहां। तो भाई शुरू करूं मैं? रुकना भी, खड़े रहे। लर्न हाउ टू स्टैंड। ये देखिए। भाई वो ब्रावो, 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 लवली। भाई वो शॉक वाला, शॉक वाला, शॉक। ज़्यादा हो गया? थोड़ा। आप लोग दे रहे कि नहीं? साथ में। अब जैसे कि कोई स्टेज पे आया, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं अपने को। क्या है? सीनियर अगे जूनियर मैं आया हूं। ये तो कमाल ही हो जाएगा कि अगर मेरे होस्टिंग पे मेरा ही क्लोज काट दिए काट दिया जाएगा गलती से। थैंक यू बहुत, मेरा काम हो गया है, मुझे माफ करो आप लोग। थैंक यू वेरी मच। ये सब भाई शुरू करूं? I liked how Sid, you matched his reaction for reaction. It was mind-blowing. आगे देखिए चाचू अनिल ने की अर्जुन की तारीफ। अनिल चाचू क्या आएगा? And now the final four awards of the Renault Star Guild awards. And to present this award, I would like to call upon Mark Nassif and Anushka Sharma. सुजॉय घोष कहानी क्या बागची। दिग्मांशु धुलिया पान सिंह तोमर किडनैपिंग कर ली तो पूरा देश से पान सिंह नाम होगा। रेनो स्टार गिल बेस्ट डायरेक्टर गोज टू। अनुराग बासु फॉर बाफी। Thank you, Renault Star Guild. Thank you, the jury who chose us for this honor. And it's really nice to get this award because, you know, it's given to you by your own family. So it does mean a lot. And I am a little nervous because I'm not used to getting so many awards in my life. So I have to thank some people, which I keep forgetting. I have to thank one specific person called Shobhashachi Mukherjee, who designed Bidda Bagchi for us. I have to thank my brilliant cast and crew. Finally, I have to thank this one woman over here who is the sole reason for Kahani. So thank you, Vidya Balan. Thank you for doing Kahani. And I now hand this over to... ये अवार्ड डायरेक्टर का होता जरूर है, लेकिन डायरेक्टर का नहीं होता, पूरी टीम का होता है। क्योंकि हम तो सेनापति हैं, अच्छी सेना के बिना सेनापति क्या कर लेगा। तो मेरी सेना जानती है कि मैं उनको कितना प्यार करता हूँ। रणबीर, इलियाना, प्रियंका, सौरभ, हरादन बाबू हमारे बीच नहीं रहे अब,
सबको धन्यवाद, और सबसे आखिरी में मेरे मम्मी डैडी और मेरी धर्म पत्नी तानी। अगला अवार्ड उसके लिए है जिस मैजिक को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे मैजिशियंस की जरूरत होती है। तो आइए देखते हैं बेस्ट फिल्म के लिए किसे अवार्ड दिया जा रहा है। मैं कॉल अप ऑन स्टेज रतन जैन एंड मुकेश भट्ट टू प्रेजेंट द नेक्स्ट अवार्ड। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एंड द नॉमिनीज आर नॉमिनीज फॉर बेस्ट फिल्म Cocktail. क्या सोचते हैं कि वेरोनिका एक ही चीज के लिए ठीक है? But that's not true, Gautam. Vicky Donal. स्पर्म से थोड़ा ऊपर आकर देखो, हार्ट नाम की चीज होती है। English Vinglish. No, jaws down. This is jaws down. Gangs of Wasseypur. यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है। The Reno Star Guild Award for Best Film goes to बर्फी, मिस्टर रोनी स्क्रूवाला एंड मिस्टर सिद्धार्थ कपूर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू टू द गिल्ड फॉर दिस ह्यूज ह्यूज ऑनर। फर्स्टली आई लाइक टू थैंक अनुराग फॉर इन्वॉल्विंग अस इन दिस फिल्म एंड फॉर गिविंग अस द चांस टू प्रोड्यूस दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फिल्म। आर एंटायर कास्ट, रणबीर, प्रियंका, इलियाना, सौरभ जी, थैंक यू। थैंक यू प्रीतम, विदाउट योर म्यूजिक दिस फिल्म जस्ट वुड नॉट हैव बीन द सेम। Thank you to the entire team at Disney UTV. Thank you, Tani, for being a pillar of support for the film. And thank you, Rucha, for seeing us through. Thank you. Agla Reno Star Guild Award hai Best Actress in a Leading Role ke liye. To present the next award, I would like to call upon Anil Kapoor and Rahul Gyanchandani. Anil Chachu, it feels really strange calling you Anil Kapoor. Ladies and gentlemen, our very own version of the Curious Case of Benjamin Button in India. He is aging backwards. Our very own Brad Pitt, right here. Isse better introduction kya de sakta hu? Ab meri bhi tarif karo na. Thank you, Arjun. Bas. Well, I think this is your first time you're anchoring and you're doing a great job. Thank you. I must congratulate you. Thank you. And you're doing better than Salman. Thank you so much for all of you all being here, and it's an honor for me to announce the Best Actress in a Leading Role. So the nominees now. Nominees for Best Actress in a Leading Role are बहुत लोगों ने मुझे दीपिका पादुकोण कॉकटेल, you're the best. हॉस्पिटल गए करीना कपूर हीरोइन, तो उसका रेट कार्ड बन जाता है। परिणीति चोपड़ा इशक जादे, पहला थप्पड़ मैं ही मारूंगी ना। प्रियंका चोपड़ा बर्फी, श्रीदेवी बोनी कपूर इंग्लिश विंग्लिश, तो सिर्फ थोड़ी इज्जत के अर्नब को, विद्या बालन कहानी, मिलन मिल जाएगा उस दिन, अर्नब भी मिल जाएगा। द रेनो स्टार गिल्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन ए लीडिंग रोल गोज टू माय फेवरेट एंड माय चेमुराइट विद्या बालन फ्रॉम कहानी। It's a lovely surprise to receive it from Mr. Anil Kapoor, who's a Chamburite, who's a fellow Capricornian, and an actor who's always inspired me. So thank you so much. Thank you that, sorry Boishali, but madman Shujoy. It's your madness that's brought us so far. And the entire cast and crew of Kahani. Yes, I will also name Sabyasachi Mukherjee. And everyone who liked Kahani, and inshallah ye Kahani jari rahegi. Kahan aage badhte hain? Akeli aage badhti jao tum. Oh my God! First row mein the great artist Kapil Sharma ke dost Manish Paul bhi baithe hue hain. Ye Manish ya to koi function host kar raha hota hai, तो यहां घुस जाता है। आज इसको इतना जरूरी अपना मोबाइल का बिल पे करना था, लेकिन उसके बावजूद आया मेरा भाई प्रोमो कटवाने अपना। इनका काट लो भाई पहले। यस, अभी क्या आगे बढ़ रहे हैं? आपको इतना नहीं पता, जब कोई आता है तो उसको हाय कहते हैं। हेलो,
आई सेड हाय ये इंग्लिश इज सो वीक कौन से स्कूल में पढ़ी हो तुम है अरे यार साफ क्यों मिल रहा है फिर भी तो मुझे लग रहा है कुछ भूल रही हो रागनी तुम भी ना यार कहाँ है हाय कपिल है हाय पक्का यही था भूल मैं भूल तुम लगता कुछ भूल रही हो कुछ रागनी या मुझे समथिंग लिपस्टिक इज ओके कॉस्ट्यूम इज फाइन हेयर भी ठीक है मतलब क्या मुझे तो सब कुछ याद है यार तुम एक काम करो अपना खाना कम करो सलाद बढ़ाओ थोड़ा अच्छा थोड़ा ककड़ी वकड़ी खाया करो थोड़ा फाइबर दिमाग में जाए तो ककड़ी तुम लड़कियों को यही सब आता है क्या हमारे वहां पे जो उगती है ना ककड़ी उनमें फाइबर होता है प्लीज वैसे मैं सोच रही हूँ कुछ भूल रही हो तुम यार मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ तुम समझ नहीं रही हो तुम प्रॉम्प्टर क्यों नहीं पढ़ रहे हो मैंने जिंदगी में नहीं कभी पढ़ा पैदा होने से पहले मैं कहाँ प्रॉम्प्टर पढ़ता हूँ यस मनीष यू कैन अंडरस्टैंड माय फीलिंग ब्रदर यार तुम्हें इतना नहीं पता कि एक हैंडसम आदमी आया है थोड़ा उसकी तारीफ भी करो कुछ अच्छा ठीक है सीधा मुंह पे बेदी साहब कैसे हाय कपिल हाँ जी लेडीज एंड जेंटलमैन जोरदार तालियों से स्वागत करें धुआंधार कॉमेडी के बादशाह द बेस्ट होस्ट कपिल शर्मा का शुक्रिया तुमने टांग नहीं दिखाई वेरी बैड थैंक यू रागनी तुमने जो मेरी तारीफ की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारी इंडस्ट्री में एक कलाकार जब दूसरे कलाकार की तारीफ करता है तो या तो वो दिल से उसका फैन होता है या उसको स्क्रिप्ट में लिख के दिया होता है एंड ट्रस्ट मी यू रीड इट वेरी वेल रागिनी इंग्लिश माइंड ब्लोइंग है कि नहीं या ओबामा सर भी यही कहते हैं एक्चुअली मेरी इंग्लिश सुपर्ब ने सुपरमैन की तरह है जो पब्लिक के ऊपर से निकल जाती है नहीं बात कई लोगों को समझ आती है खैर इट्स ओके तुम ना आते ही शुरू हो गया मैं तो जब दुनिया में आया था तभी शुरू हो गया था अच्छा अभी ना एकदम से थोड़ी अटेंशन जो होती है डाइवर्ट हो जाती है खास तौर पे जितने भी हमारे मर्द यहाँ पे बैठे हुए अवार्ड फंक्शन में अच्छा वाला फंक्शन चल रहा होता है जब कोई खूबसूरत लड़की एंटर करती है ना सबके मुंह यूं हो जाते हैं हमारी वाली भी अच्छी लग रही है जो हमने पर्सनली खड़ी की है यहाँ पे मैंने रागनी को नॉर्मली चलते हुए देखा वैसे आमतौर पर ऐसे ही चल के आती है लेकिन जब अवार्ड फंक्शन में एंट्री लेनी होती ना ये पता नहीं सबको क्या हो जाता थोड़ा सा लहंगा उठा के ना तुम लोग पहले थोड़ा नीचे से कटवा लो उसको क्यों लंबा पहनती हो यार कपिल मुझे चल के दिखा दो मैं सीख लेती हूँ तुमसे मुझे कैटवॉक करके दिखाओ चलो सॉरी थैंक यू वेरी मच एंड गेट लॉस्ट तुम्हें कभी किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट देना नहीं आता ना कभी किसी को कहा है कि तुम हॉट हो या ब्यूटीफुल हो मुझे समझ में नहीं आता हॉट कैसे कब मैंने कल एक लड़की को बोला वो भी तुम्हारी तरह थोड़ी इंग्लिश वीक थी उसकी ओह She was very low in English. I told her that yesterday your temperature is very high. And she said, I am normal. उसको बेवकूफ को पता चला मैं उसको हॉट बोल रहा हूँ. होता है कभी. मेरे बारे में आपके कुछ विचार हैं? Normally you are 98 actually, but you maybe go behind the 101 degree actually. Maybe function खत्म होने तक you will become a, you know, like a pizza oven. Somebody can make a pizza on your forehead. And you are just beautiful, yaar. क्या बात है थैंक यू कपिल तुम तो सीरियसली मेरी तारीफ करने लगे मैं तो ऐसे ही मजाक से पूछ रही थी यार अच्छा मजाक भी तुम करोगी है मैं क्या वड़ा पाव खाने आऊं यहाँ पे मजाक भी अब सारा कुछ यही करेंगी अब जहाँ तक मेरा अंदाजा है अंदाजा बड़ा लगाते हैं इंडिया तुम में लोग यहाँ होस्ट करने आए हो हाँ तो वो चल रहा है वो देखो भाई साहब अच्छा ये देखो आपकी बेटी है आपकी है बीवी को क्यों नहीं पकड़ाते शादीशुदा आदमी देख ला बच्चे पिला और बीवी भी मैंने देखा है एक दो साल तक ही बच्चे को संभालती बाद में पति की गोद में बिठा देती लो तुम्हारा भी उतना ही हाथ है इस साजिश में एनीवेज अंदाजे की बात चल रही थी हमारे हिंदुस्तान में लोग अंदाजा बड़ा लगाते हैं घर में चार चार घड़ियां पड़ी होती फिर भी सोच रहे होते यार 9:30 लगता हो गए दियार बाती खत्म हो गया है सभी घरों से हंसने की आवाज आ रही लगता है कॉमेडी नाइट से कपिल शुरू हो गया और प्रमोशन नहीं करता तो हम लोग खुद प्रमोशन करने में विश्वास रखते हैं थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट अंदाजा लगाना भी एक हुनर है कपिल लेकिन ये हुनर एक जगह बिल्कुल काम नहीं करता है वो है क्विज शो में आई लव क्विज शोज एक्चुअली मेरी तो जनरल नॉलेज इतनी पक्की है मैं क्विज शो में चला जाऊं तो पक्का जीत के आऊंगी मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं अच्छा तो मैं तुम्हारी जनरल नॉलेज जरा टेस्ट करना चाहूंगी yes. बताओ पानीपत में कितनी लड़ाइयां हुई थी 4 बड़ी बेकार है यार पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई थी मेरे मामा की जब बारात गई थी पानीपत में हमने दारू पी के जो लड़ाई हुई वो चौथी लड़ाई कौन गिनेगा हमेशा किताबी ये बुक वॉर्म्स
अरे बड़ी हुई उसके बाद तो, उसके बाद तो सब्जी वालों ने सड़क के ऊपर ठेले लगाने शुरू कर दिए, पुलिस आई उन्होंने कहा हटाओ, उसके बाद में उनकी फिर लड़ाई हुई, पांचवी लड़ाई, मैंने तुम्हें बताता नहीं हूँ अभी, लड़ाइयां तो बड़ी हुई है यार तुम्हारे जैसे गेस्ट को ना कोई मैं क्यों करूं भाई। अच्छा ठीक है मैं कर देती हूँ, लेकिन मैं अगर तुमसे ज्यादा काम करूंगी मुझे ज्यादा अच्छी पेमेंट मिलनी चाहिए, कबूल है? बोलो। मैं क्यों बोलूं, जिनका शो कबूल है वो 1.5 साल से खुद नहीं बोल रहे हैं। एक तो ये सीरियल वाले चुप रह के स्टोरी लंबी करते रहते हैं। सास अगर बहू को वैसे किसी गलती के लिए डांट दे तो वो चुप रहती है, फिर उसका ससुर, तीनों देवर, तीनों देवरानियां, जेठानियां, पांचों ननद, रामू काका, माली, ड्राइवर, सब उसे डांटते ना देते, जब तक तब तक वो चुप रहती है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, तुम्हें पता है मेरे पास एक ऐसी जादुई शक्ति है जिससे मैं पूरी दुनिया में नजर रख सकता हूँ। वेरी फनी, ऐसी शक्ति सिर्फ सलमान खान के पास है। अरे वो तो 10-12 लोगों में नजर रखते हैं ना, मैं तो पूरी दुनिया में नजर रखता हूँ। और मेरा इस काम में हेल्प करते हैं हमारे न्यूज चैनल्स, जो मुझे 24 घंटे देश विदेश की लेटेस्ट खबरें देते रहते हैं। कल ही मैंने न्यूज में देखा कि एक चाइना के किसी आदमी ने 100 शादियां की। वो तो इसीलिए ना क्योंकि चाइना के माल की ज्यादा गारंटी नहीं होती। और वैसे भी इसमें जादू क्या है? जादू क्या है? नहीं मैं ये देख रहा हूँ जिन्होंने एक एक की उनका ये हाल है, ये देखो बच्चे संभाल रहे, जिसने 100 की उसका तो बेड़ा गर्क हो गया होगा अब तक। देखिए ना मेरे अंदर बहुत सारे सवाल उमड़ रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें किस तरह के कैरेक्टर्स पसंद हैं। आई मीन आई लाइक वैम्प्स। वैम्प्स? या एक तो वो हीरोइन से हमेशा हॉट होती है। हीरोइन तो बेचारी वही लगती है कि चपातियां बनाती हुएगी जाके अंदर आलू गोभी उबालेगी, ये वैम्प जो होती है ये इनको देख के लगता है काम कोई नहीं करती। और आपने कभी देखा होगा जो वैम्प होती है ना वो बड़ी फ्रैंक होती है, बेसिकली अच्छी नेचर की होती है, ऐसा लगता है कोई भी जाके इनको फ्रेंडशिप का ऑफर करेगा तो मान जाएंगे झट से। दूसरी बात, इनकी कभी आप लिपस्टिक खराब होती नहीं देखेंगे क्योंकि सारे डायलॉग मन में बोलती हैं, और जिसको पता चलेगा उसका अंदर ही चलता रहता है कुछ ना कुछ। ऊपर से इनकी आंखों के एक्सप्रेशंस आप देखिए, कभी हमेशा आंखें खुली रहती हैं, मैं तो यही सोचता रहता हूँ ये बता क्यों नहीं देती किसने क्या देखा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं आपका अपना ही है, जेन्युइनली मिला है आपको। मैं वहां अपनी दोस्त से यही कह रही थी कि अगर मुझे ऊपर जाना पड़ा तो मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। बाय आशिका, आई लव यू सो मच, बाय। क्योंकि माफ कीजिएगा, मेरी मम्मी ने कहा कि आप कपिल से शादी कर लो आपको जीवन भर हंसाएगा तो, और जो आप मुझे जीवन भर रुलाएंगी वो हीरो कौन होता है? कौन होता है जो विलेन का सामना करे, उसे घूसे मारे, उसके साथ फाइट करे? यार नहीं यार ऐसी बात नहीं, विलेन भी अच्छे होते हैं, बड़े निकेतन देखो मन का कितना अच्छा बेचारा, वैसे विलेन बन गया। मैं नहीं मानता हूँ यार, मैंने एक बार विलेन से पंगा ले लिया था इसी चक्कर में कि हीरो बनूं। रियली? हाँ। फिर क्या हुआ उसके बाद? आज तक कॉमेडी कर रहा हूँ, नहीं हो रहा कुछ और। लोगों को इतना एंटरटेन करते हो, तुम इतने कूल डूड हो, तो तुम खुद एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो? मैं न्यूज चैनल देखता हूँ। रियली? हाँ। अब मैं आपको सच में बताता हूँ कि आजकल कुछ न्यूज चैनल जो हैं वो ऐसे भी हैं जो न्यूज कम देते हैं एंटरटेन ज्यादा करते हैं, बैक टू बैक 27 बार एक ही चीज दिखाते हैं। गोपी बहू के हाथ से गिलास गिरा, गोपी बहू के हाथ से गिलास गिरा, अबे तू देख रहा है तो खुद जाके उठा लेना, हमें क्या बता रहा है। अजीब अजीब चीजें होंगी और कुछ तो डरा भी देते हैं, कई कईयों को न्यूज बताने का स्टाइल ऐसा होता है, ध्यान से देखिए खौफनाक चेहरा। अरे भाई तुम नहीं बताओगे तो हम लोग क्या देखेंगे? नहीं इनको फिर डर लगता है सामने बैठ के देखने को, आदमी थोड़ा साइड पे होकर देखता है कहीं निकाल के फेंक के मारे ना दे कुछ। लेकिन कुछ न्यूज चैनल्स हैं जो अपना काम मुस्तैदी के साथ करते हैं, न्यूज बनाते नहीं दिखाते हैं। जी न्यूज चैनल की इसी महत्वपूर्ण भूमिका मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सीनियर एक्टर्स जो हैं, फिल्म एक्टर्स जो हैं, वो भी टीवी पे काम करते हैं, जैसे जोधा अकबर में मेन रोल ओमपुरी साहब कर रहे हैं, हर एपिसोड की स्टार्टिंग में पहला डायलॉग उन्हीं का रहता है, इस सीरियल के सभी पात्र और सभी घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और जोधा अकबर ने तो यह भी प्रूव कर दिया है कि टेलीविजन किसी भी मामले में फिल्म वालों से पीछे नहीं है। आशुतोष गोवारिकर साहब 4.5 घंटे की फिल्म बना के बड़ा खुश हो रहे थे, मैंने 4.5 घंटे की फिल्म बनाई, अब टीवी वाले इनको बताएंगे कि स्टोरी को लंबा कैसे करते हैं, क्योंकि आशुतोष जी ने तो सिर्फ एक दो राजाओं की लड़ाई दिखाई ना, टीवी वाले देखना जोधा की ननद, भाभी, देवरानियां, जेठानियां, ढूंढ ढूंढ के लड़ाइयां निकालेंगे ये लोग। और जब 150 एपिसोड हो भी जाएंगे ना उसके बाद भी आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आज जोधा 14 बरस की हो गई, इतना लंबा खींचते हैं जी, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है कोई इसमें कोई शक नहीं है, हालांकि उन्होंने इससे पहले भी अच्छी एक्टिंग की थी मर्डर फिल्म में, पर वहां माहौल ही ऐसा था ध्यान गया ही नहीं एक्टिंग पे, मतलब जो भी है आप खुद समझदार है।
और मैं अकेला ही उनका फैन नहीं हूं, जैकी चैन साहब बड़े फैन हैं। उन्होंने पर्सनली मल्लिका को फोन करके कहा था कि मैंने इतनी फिल्में की हैं आज तक मेरी आंखें नहीं खुली, तुम्हारी एक्टिंग देख के मेरी आंखें खुल गई। मल्लिका दीदी आई एम सो सॉरी बट क्या करें, मार्केट में चल ही यही रहा हमारा। और मेरी और कपिल क्या हाल है? चल चल मैं होस्ट कर रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं तेरे साथ बात करने को। मनीष तू मुझे भूल गया ना? और रागिनी क्या हाल है? दोस्त हीरो बन गया मनीष बाल के लिए जोरदार तालियां। एक आरजे से अपना करियर शुरुआत करके और आज फिल्म में सोलो हीरो मनीष, मेरे भाई दिल से मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच यार, एक ही ताली बजी है, बड़ा अच्छा लग रहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं क्यों थैंक यू करूं, अवार्ड मुझे थोड़ी मिला, हम तो देने आए हैं। हाँ जी, किसको देने हैं भाई? अनाउंस शर्मा जी आपको करना है। एक तो ये लड़की कैसी है, इसको होठों से पकड़ के तो मैं अंदर लाया हूं। कपिल सही बोलता है तू। अच्छा मेरे सामने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहन के आई, आज आई टी है तो 1400 रुपए का सूट बनवा के आई, बात करे। अरे इतना खर्चा किया था, पीछे भी थोड़ा ज्यादा कपड़ा लगवा लेते, पीठ तेरी सारी बाहर आ रही है। और ये सुन कपिल, ये पुंती ये लेसे भी इसने बाहर खड़े होकर लगवाई है, बाहर वो शॉल लटक रही थी उससे काट के यहां लगवाई है इसने। तू किसी को अवार्ड देने आई कि बेइज्जतियों का अवार्ड लेने आई? हायो रब्बा।